जल्दी से सैंपल भेजो, मैं बाहर खड़ा हूँ। रोजों का महीना है और ये बूढ़ा मेरी गाड़ी के पीछे छुप के समोसे खा रहा है। और इस बूढ़े को पकड़कर इसकी क्लास लेते हैं। हाँ यार, कितना बेशरम आदमी है, रमजान का जरा भी एहतराम नहीं है। चल यार, इसको पकड़ते हैं। शर्म करो ए बाबा, रमजान शरीफ का लिहाज नहीं है तुझे? किस तरह बेशर्मों की तरह खा रहा है, रोजा नहीं रख सकता तू? सेहत देख अपनी, हट्टा कट्टा है, मुंह पे दाढ़ी रखी हुई है, रोजा क्यों नहीं रखा? बेटा रोजा तो मैंने रखा हुआ है। रोजा रखा हुआ है? भाई आपका सैंपल। माल तो ठीक है। तो 200 पेटी भिजवा दूं आपकी दुकान पे? 200 पेटी नहीं, 400 पेटी। तुझे पता है रमजान शरीफ चल रहा है, यही तो महीना होता है कमाने का। इतना माल नहीं है मेरे पास भाई, हमें 400 पेटी ही चाहिए। तुम्हें पता है आजकल फ्रूट के रेट डबल हैं, यही तो महीना होता है कमाने का। रुको, तुमसे तो मैं अभी बात करता हूँ। कम से कम 300 पेटी माल चाहिए मुझे, इसी महीने में तो कमाई करनी है सारी। अगले महीने हम दोनों भाइयों ने उम्रे पे जाना है। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, ये सैंपल मेरी गाड़ी में रख दो। हाँ बुढ़े, उम्रे पे जाना है, इन बेवकूफों को कौन समझाए? काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होंगे। हाँ तो अब बता, तू कह रहा था तूने रोजा रखा हुआ है और तू समोसे भी ठूस रहा है। शर्म आनी चाहिए अंकल, एक तो आपने रोजा नहीं रखा और ऊपर से झूठ भी बोलते हो। देखने में तो अच्छा खासा नेक इंसान लगता है।